नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध व किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी संयुक्त ट्रेड यूनियन 27 सितंबर को भारत बंद का समर्थन करेगा। साथ ही श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन भी करेंगे। इन सभी का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीति किसान, मजदूर व आमजन विरोधी रही है। किसानों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, पर अभी तक समस्या का निदान करने कोई पहल नहीं हुई है। तीन कृषि कानून को रद्द करने व कृषि पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है, पर अभी तक कोई पहल नहीं हुई। साथ ही एक स्वर में कहा कि मजदूर विरोधी चार लेबर कोड व वेतन संहिता रद्द करने की भी मांग अनसुनी कर दी गई। सार्वजनिक उपक्रम को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। 27 तारीख का भारत बंद की रूपरेखा जैसा भिलाई की स्थिति है, समस्त ट्रेड यूनियन जो भिलाई में कार्यरत हैं और आसपास के कुछ किसान संगठनों के साथ मिलकर हम लोग भारत बंद को प्रचार प्रसार कर पाएंगे। 27 तारीख को सुबह 8 बजे इक्विपमेंट चौक, भिलाई स्टील प्लांट का जो मेन गेट है, उस चौक पर सुबह से 8 से 9 हम लोग प्रदर्शन करेंगे। लोगों को बताएँगे कि भारत बंद का जो आज आह्वान है पूरे देश में है वो किस बाबत है। तीन जो काला कृषि कानून है उसको वापस लेने को लेकर है, संशोधित बिजली बिल जो है 2020 उसको वापस लेने को है, चार लेबर कोड जो लाया गया है, तमाम हमारे सैकड़ों वर्षों से संघर्ष से प्राप्त श्रम कानूनों को ख़त्म करके जो है 29 श्रम कानूनों को ख़त्म करके जो चार लेबर कोड ला रहे हैं, जो मालिक परस्त है, जो मालिकों को, ठेकेदारों को, कॉरपोरेट घरानों को सहयोग पहुँचाने वाले हैं, जो मजदूरों के हित में नहीं उसके खिलाफ में है। और चौथा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारा, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है जिसको हमारे देश की जनता ने अपने मेहनत से कमाया है, बनाया है, उसको जो निजी हाथों में बेचा जा रहा है, कौड़ी के भाव में बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ में हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है। ये 8 से 9 हम इक्विपमेंट लोग चौक पर लोगों को बताएँगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग एक रैली लेकर निकलेंगे जो 10:30 बजे तक दुर्ग गांधी चौक में पहुँचेगा और वहाँ पर जो है हमारे दुर्ग जिला के किसान संगठन और किसान लोग उपस्थित रहेंगे। उनके साथ हम लोग मिलकर जो है फिर पूरे दुर्ग शहर में एक रैली करेंगे और जनता को जागृत करेंगे कि यह जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, ये जो फासिस्टवादी सरकार है, ये जो कॉरपोरेट को सहयोग पहुंचाने वाली सरकार है, जो देश की संपत्ति को कौड़ियों के मूल में बेचने वाली सरकार है, उसके खिलाफ़ हमको लोगों को जागृत करेंगे और ऐसी सरकार को देश से सत्ता से पदच्युत करने का लोगों से अपील करेंगे। आपका नाम? मैं विनोद कुमार सोनी, महासचिव भिलाई स्टील मजदूर सभा एटक।